तो यार मैं एक स्टैंप लगवाने आया हूँ, उसके भी पैसे हैं। थोड़ा मैं आपको बात करता हूँ कि किस काम के लिए आया हूँ। ये एमओटी सेंटर में आया हूँ, सो डिटेल में बाद में बात होती है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। इस ब्लॉग का बनाने का मकसद ये है कि आजकल न्यूज़ आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे, रिसेंटली यूके की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई है, स्पेशली रिगार्डिंग स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो उनमें से दो जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गए हैं फ्रॉम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18th of July से इस साल। लेकिन उसकी डिटेल्स में गहराई में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंडीशंस क्या हैं। ऑब्वियसली पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपको अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं, सो वो भी देखेंगे। आपको मैं जितनी भी मुझे इंफॉर्मेशन है मेरे मुताबिक या जितनी भी मैंने न्यूज़ देखी हैं उसके मुताबिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है कि वो 100% एक्यूरेट होगी, मेरी पूरी कोशिश होती है। देखिए वीडियो देखिए। मैं भी जा रहा हूँ यार, बहुत ज़रूरी काम पड़ गया और वो मैं आपको बाद में पता चल ही जाएगा वीडियो के एंड तक। बहुत छोटा सा काम था लेकिन बहुत ज़रूरी था। तो इसके अलावा एक दो और काम है आज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी एग्जैक्टली है क्या। सो एट द एंड तक देखते रहिए क्या होता है। तो आज का व्लॉग बैड न्यूज़ के साथ मैं लेकर आ रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये जो यूके की इमिग्रेशन जो पॉलिसी है या होम ऑफिस की तरफ से आया है, इशू किया गया है, वो मैं आपको उसकी साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि यूके आना चाहते हैं या यूके आ गए हैं, जो इवन जो यूके में हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इफ़ दे वॉन्ट टू कन्वर्ट देयर वीज़ा, इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। तो ये बहुत एक ज़रूरी वीडियो थी, मैं बनाना चाह रहा था, साथ साथ आपको मैं दिखाता भी जाता हूँ। यार ऑडियंस को बोर तो नहीं करना होता ना, तो आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं लेकर आ सकेंगे, स्पेशली फॉर द बैच मास्टर्स जो है डिग्री करने आएंगे। सो ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट हुआ। दूसरा ये है कि जो यूके में करेंटली हैं और वो जो स्टूडेंट्स जो कन्वर्ट करते हैं अपना वीज़ा स्टूडेंट्स टू वर्क परमिट पे, उनके लिए बैड न्यूज़ है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप 18th of July से ऑनवर्ड्स अगर आप कोशिश कर रहे थे या आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो मोस्ट लाइकली इट विल गेट रिजेक्टेड। ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं और आप अपने PSW फेस में जाते हैं तो वहाँ से ऑब्वियसली आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं। बट ये दो जो पॉइंट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्रिटिकल। तो यार एक तो काम भी आज किए हैं मैंने, वो भी आपने देख लिया होगा। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर निकला जाए दोबारा, आई गॉट अ लिटिल बिजी, लेकिन आपके लिए मैं व्लॉग्स और लाना चाह रहा हूँ। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरी ये कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। एंड आज बहुत ज़रूरी था ये व्लॉग बनाना, स्पेशली जो लोग यूके आना चाह रहे हैं और जो यूके आ गए हैं। या जी, तो अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड न्यूज़। अभी से जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है, बट टिल दिसंबर आई थिंक इट्स फाइन।
अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स साथ अप्लाई करते हैं डिपेंडेंट के लिए, अदरवाइज आफ्टर जनवरी इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवेज ये तो थे जो दो मेन बैड न्यूज़ आई हैं लास्ट के कपल ऑफ डेज, लास्ट फ्यू डेज में। खैर एनीवेज आप अगर आने की कोशिश कर रहे हैं यूके तो ज़रूर आएँ, आप स्टूडेंट वीज़े पे आ सकते हैं और आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें एंड देन आप PSW पे जा सकते हैं, तो उस पे फिर यह है कि आप अपना वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार आज का जो दिन है प्रोडक्टिव है थोड़ा बहुत, दो तीन काम करने थे वो मैंने किए हैं और उसके बाद अब एक काम रह गया, एक काम हमेशा रहता है तो वो अब करते हैं जाके। आइए, आज जो था टोटल तीन काम मैंने करने थे, एक काम पोस्ट ऑफिस का तो हो गया, दूसरा काम बैंक का था और वो नहीं हो सकता, तो तीसरा काम अभी करने जा रहा हूँ मैं, वो इंशाल्लाह मैं उसे पूरी कोशिश करता हूँ हो जाए, तो आइए चलते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, ये दो इम्पॉर्टेंट जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैं आपके साथ शेयर करनी थी रिलेटेड टू द वीज़ा, यूके का वीज़ा, और उसके बाद फिर कुछ मैंने काम भी करने थे तो मैंने कहा चलो आपको ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी दे दें और बाहर ये काम भी कर लें। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।